ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم معزز حاضرین جمعہ دینی و ملی بھائیوں محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے تیسویں پارے کے ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی قرآن کی 114 سورتوں میں یہ 102 نمبر کی سورت ہے اس میں ٹوٹل 8 آیتیں ہم آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سورت کے اوپر کچھ غور کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے آئیے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں الہاکم التکاثر تمہیں غافل کر دیا ہے مال و دولت کی بہت زیادہ ہوس نے حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ تم قبر میں چلے جاؤ کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے
ثُمَّ اللَّهَ سَوْفَ تَعْلَمُونَ, फिर हरगिज नहीं, तुम्हें जल्द पता चल जाए। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, हरगिज नहीं, अगर तुम्हें यकीनी इल्म होता तो ऐसा ना करते। लतरहुन्नल जहीन, तुम जरूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतरहुन्नहा अइनल यकीन, फिर तुम जहन्नम को यकीन की निगाहों से देखोगे। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, और फिर तुमसे कयामत के दिन अल्लाह की नेमतों के बारे में पूछा जाए। ये इस सूरत करीमा का तर्जमा है, इसका ट्रांसलेशन है। अब एक एक आयत पर गौर करते हैं। अल्लाह तुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल कर दिया है तकासुर ने। तकासुर किसको बोलते हैं? तकासुर का तीन मतलब होता है। एक मतलब होता है किसी चीज को बहुत ज्यादा इकट्ठा करना, बहुत ज्यादा जमा करना। पैसा है, दौलत है, दुनिया की चीजें हैं, इन तमाम चीजों को बहुत ज्यादा जमा करना, इसको अरबी में तकासुर कहा जाता है। तकासुर का दूसरा मतलब होता है दुनिया की दौलत को बहुत ज्यादा जमा करने की तमन्ना करना। और तीसरा मतलब होता है तकासुर का फख्र करना, घमंड करना, गुरूर करना। अब फिर से आयत का मतलब समझिए। अल्लाह तुम तकासुर, मेरे बंदो, तुम्हें मालो दौलत की कसरत ने, मालो दौलत की बहुत ज्यादा हवस ने तुम्हें गाफिल कर दिया है। यहां अल्लाह तबारक व ताला ने यह नहीं बताया किस चीज से गाफिल कर दिया है, बस इतना कह के छोड़ दिया। अल्लाकुम तकासुर, मेरे बंदो, तुम्हें तकासुर ने, तुम्हें मालो दौलत को बहुत ज्यादा जमा करने ने, और ज्यादा तुम्हारे पास दौलत हो जाए, और ज्यादा प्रॉपर्टी हो जाए, और ज्यादा घर हो जाए, और ज्यादा तुम्हें अल्लाह की नेमतें मिल जाए, इस हवस में, इस तड़प में, इस तलब में, इस जज्बे में तुम्हें गाफिल कर दिया है। किस चीज से गाफिल कर दिया है, ये अल्लाह ने नाम नहीं लिया। वो तमाम चीजें आ गई, आखरत भी आ गई, जन्नत भी आ गई, अल्लाह का जिक्र भी आ गया, नमाज भी आ गई, इन तमाम चीजों से तुम्हें दुनिया की नेमतों ने गाफिल कर दिया है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान की एक कमजोरी बताई। कमजोरी क्या है? इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, उसको और चाहिए। इंसान कहीं पे जाके रुकता नहीं है कि हां अब यहां से मुझे सब मिल गया। कुछ भी मिल जाए, कारून का खजाना भी मिल जाए, तब भी इंसान को और चाहिए। और ये जो लालच है ना, और चाहिए, और मिल जाए, ये इंसान की फितरत में है। हमारे बाप जिनकी हम सब औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको कहां रखा था? जन्नत में। सब खाने पीने की आजादी थी, रगदन हैसो शितुमा, पूरी जन्नत अल्लाह ने दे दी, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो। बस अल्लाह ने एक चीज की रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, एक पेड़ था, एक दरख्त कटा, इसके करीब मत जाना, बाकी कुछ भी खाओ, कहीं भी जाओ, कोई पाबंदी नहीं। मगर आदम अलैहिस्सलाम, उनको और चाहिए था। शैतान आया, अल्लाह ताला सूरह आराफ में नक्शा खींचता है, फवसवसा लहुमा शैतान लियुद्दिया लहुमा मा वूरियान्हुमा मिन सौआतिहिमा। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को, दोनों को बहला दिया, फुसला दिया, बहका दिया, ताकि उनको नंगा कर दे, उनकी शर्मगाहों को खोल दे, उनकी शर्मगाहों पर जो अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का पर्दा डाला था, जन्नत का जो लिबास उन्होंने पहना था,
शैतान यही चाहता था दोनों नंगे हो जाएं, दोनों के बदन से जन्नत का लिबास उतर जाए। एक नुक्ता मिला, एक बात पता चली कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक शैतान का एक ही मिशन है, इंसान कैसे नंगा हो जाए, मर्द और औरत कैसे नंगे हो जाए, कैसे बेहया हो जाए, कैसे बेशरम हो जाए, ये शैतान का सबसे बड़ा मिशन है। अल्लाह कह रहा है याद करो मेरे बंदो, शैतान ने आदम और हव्वा दोनों को नंगा करने की कोशिश की। وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين। शैतान ने आदम और हव्वा से कहा, अय आदम अय हव्वा, तुम्हें कुछ पता है, तुम्हें कुछ मालूम है, सारी जन्नत तो तुम्हें, जन्नत की तमाम चीजें तो तुम खा सकते हो, मगर अल्लाह ने एक पेड़ के करीब जाने से क्यों मना किया है? कहा इसलिए मना किया है क्योंकि अगर तुम इस पेड़ को खा लोगे, इल्ला अन तकूना मलकैन, तो तुम फरिश्ते बन जाओ, तुम फरिश्ते बन जाओगे, औ तकूना मिनल खालिदीन, और तुम अमर हो जाओगे, तुम कभी मरोगे नहीं, तुम्हें मौत नहीं आएगी, इसीलिए अल्लाह तुम्हें मना कर रहा है कि उस पेड़ के करीब मत जाओ। देख रहे हैं? आदम के पास सब कुछ है, मगर शैतान ने कुछ और का लालच दिया, क्या फरिश्ते बन जाओ, अमर हो जाओगे। अच्छा, शैतान इतने पर रुका नहीं, वकासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। शैतान ने कसम खाई कि ऐ आदम, मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। जब कोई कसम खा लेता है, एक मामूली ईमान वाला आदमी भी उसकी बात मान लेता है, कसम खा रहा है, कसम उठा रहा है। हमारे बाप आदम भी शैतान की कसम के चक्कर में आ गए, वो कसम खाने लगा, कह रहे मैं तुम्हारा दोस्त हूं, हमदर्द हूं, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती हुई, जो चूक हुई, उस चूक के पीछे भी वही इंसानी कमजोरी थी। और चाहिए, और ये और चाहिए, ये सिलसिला इंसान की जिंदगी में कभी खत्म होने वाला नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, लौ कान इब्ने आदम वादियान मिन ज़ाबिन लबतगा सालिसन। अगर इंसान के पास, अगर आदम की औलाद के पास सोने के दो पहाड़ आ जाएं, सोने की दो वादियां आ जाएं, लब तगा सालिसन, तब भी इंसान की आरजू पूरी होने वाली नहीं है, इंसान को तीसरा चाहिए। दो पहाड़ मिल गए, सोने के दो पहाड़, यानी आदमी तोड़ तोड़ के उस पहाड़ को खर्च करे, पूरी जिंदगी कट जाएगी, मगर दो मिल गया, अभी तीसरा भी चाहिए। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान का नेचर है, ये इंसान का मिजाज है। और हदीस पाक का अगला टुकड़ा हम सबके लिए गौर करने के काबिल है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, वला यमलउ जौफहु इल्ला तुराब, और इंसान के पेट को अगर कोई चीज भर सकती है तो मिट्टी भर सकती है। जब तक मिट्टी में नहीं चला जाएगा, जब तक मर नहीं जाएगा, तब तक कोई इंसान का पेट भरने वाला नहीं, उसे और चाहिए। अब बात वहीं से शुरू करता हूं, अल्लाह को मुत्तकास, मेरे बंदो तुम्हें माल और दौलत की कसरत में और ज्यादा माल आ जाए, और ज्यादा प्रॉपर्टी आ जाए, और ज्यादा दौलत जमा हो जाए, इस सोच ने, इस नजरिए ने, इस लालच ने तुम्हें गाफिल कर दिया है अल्लाह से, तुम्हें गाफिल कर दिया है जन्नत से। कभी कभी ऐसा होता है, दुकान पर आप जाते हैं, एक सामान बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पैकिंग जो है कुछ खास नहीं है। सामान बेहतरीन है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन पैकिंग जो है बहुत लोकल किस्म की है। और एक सामान लोकल है, सामान चालू है, लेकिन पैकिंग जबरदस्त है। दोनों चीजें सामने रखी हैं तो इंसान की फितरत है
इंसान पैकिंग की अच्छी पैकिंग वाले सामान को जल्दी से ले ले, पैकिंग अच्छी है तो सामान भी अच्छा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की पैकिंग बहुत अच्छी की है, दुनिया को सजा दिया है, दुनिया को अट्रैक्टिव बना दिया है, दुनिया मुजय्यन कर दी है, दुनिया अच्छी लग रही है, जबकि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की कोई औकात नहीं। जुमा के दिन आप लोग सूरह आला की तिलावत सुनते होंगे इमाम साहब से, तो इमाम साहब पढ़ते हैं ना, बल तू से हयात दुनिया वलाखिरत खैर वाबका, तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, तुम दुनिया की जिंदगी को ऊपर रखते हो, वलाखिरत खैर वाबका, जबकि आखिरत की जिंदगी ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बाकी रहने वाली है। तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो जबकि आखिरत ज्यादा बेहतर है, ज्यादा पायदार है, ज्यादा बाकी रहने वाली है। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान के अंदर कहता है, ज़ुल्किना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाई वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरति मिनज़्ज़हबि वल फ़िद्दा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्सि ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। ओ लोगो, हमने तुम्हारे लिए मुज़य्यन कर दिया है, सजा दिया है, एट्रैक्टिव बना दिया है, खूबसूरत पैकिंग में हमने तुम्हारे लिए बना दिया है, दुनिया की जीनत को, औरत को, दौलत को, सोने को, चांदी को, खेती को, जानवरों को, सवारियों को, ये दुनिया की तमाम चीजें तुम्हारे लिए मुज़य्यन कर दी गई हैं। मगर याद रखो, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये देखने में चाहे जितनी भी अच्छी लग रही हो, लेकिन है ये दुनिया की चंद दिनों की चीजें, चंद दिन से फायदा उठा लो। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल माब, बेहतरीन ठिकाना, बेहतरीन अंजाम तो अल्लाह ही के यहां मिलने वाला है, वहां की तैयारी करो, ये तो चंद दिन की चीजें मिलेंगी, खत्म हो जाएंगी। इंसान कितनी मेहनत से पैसा कमाता है, पैसा कमाते 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 एक दिन ऐसा आता है इंसान मर जाता है। अच्छा, इतना पैसा कमाया लेकिन उसकी दौलत में मौत से नहीं बचाया, मौत का दिन आ गया तो मरना है। अच्छा, मौत जो है वो टाइम पूछ कर भी नहीं आती, तो 60 साल के हो गए तभी मरना है, 40 साल वाले भी मर रहे हैं, 20 साल वाले भी मर रहे हैं, 10-10 साल के बच्चों की मौत हो रही है, मां के पेट से मरे बच्चे पैदा हो रहे, तो मौत उम्र पूछ के तो नहीं आती, टाइम पूछ के तो नहीं आती, मौत आई तो आई, और मौत जब आ गई खजाने मौजूद हैं, दौलत मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, मगर मौत का हमारे पास कोई इलाज नहीं। अल्लाह ताला सूरह वाकिया के अंदर कहता है, फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम, मेरे बंदो, जब रूह हलक तक पहुंच जाती है, जब मरने का टाइम आ जाता है, वह अंतुम ही नहीं तंजुरून, और तुम अपनी आंखों से किसी को मरता हुआ देखते हो, बाप मर रहा है, बेटा अपनी आंखों से देख रहा है, बीवी मर रही है, शौहर देख रहा है, शौहर मर रहा है, बीवी देख रही है, वह अंतुम ही नहीं तंजुरून, मेरे बंदो तुम देख रहे हो लेकिन कुछ करने की ताकत नहीं रखते, وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ, اور ہم تو تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں, مرنے والے کے تم بستر پہ بیٹھے ہوئے, لیکن تم سے بھی زیادہ ہم اپنے بندے کے قریب ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے, فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, میرے بندو, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे ऊपर किसी का पावर नहीं है, तुम्हारे ऊपर किसी का इख्तियार नहीं है, तो तुम मरने वाले को जरा मौत से बचा के दिखा दो, जरा उसकी रूह को निकलने से बचा दो, नहीं बच सकता, मौत आई तो आई, काम खत्म, और जब मर गया कल तक बहुत वैल्यू थी उसकी, निकलता था लोग सलाम करते थे, मुसाफा करते थे, अब मर गया है तो उसकी डेड बॉडी को कोई 24 घंटे से ज्यादा घर में रखने को तैयार नहीं, और जिस दौलत के लिए झूठ बोला, बेईमानी की, हराम काम किए, तो सारी की सारी दौलत दूसरों को, जिस दौलत के लिए इतना कुछ किया
आज वो दौलत उसके किसी काम की नहीं है, जाएगा दो गज जमीन के नीचे, कुछ लेके नहीं जाएगा। इसलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, यकूल अब्तु माली माली, इंसान चिल्लाता है मेरा माल है मेरा माल है, मेरा पैसा है मेरी दौलत है, इन्नमा लहू मिन मालिही सलास, मगर हकीकत में इंसान का माल तो सिर्फ तीन तरीके का होता है, तीन चीजें होती हैं जो इंसान के काम आती हैं, वरना हकीकत में इंसान के पास कोई पैसा नहीं है, कोई माल नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा अकला फअफना, जो खा लिया खा के खत्म कर दिया, जो हमने पैसा पैसे से खा लिया, खा लिया हमारे पेट में चला गया, एक तो हमारे पैसे का इस्तेमाल ही है, और लबीसा फअबला, या पहन करके पुराना कर दिया, कपड़े पहन लिया हमने, पैसे से खरीद के लाए कपड़े पहन लिए, खा लिया पहन लिया, और आता फक्तना, या अल्लाह की राह में लगा दिया, मस्जिदों में लगा दिया, मदरसों में लगा दिया, गरीबों को दे दिया, यतीमों को दे दिया, और उसको अल्लाह के यहाँ जमा कर लिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बस यही तीन तरीके का माल होता है, वमा सिवा जालिका, और इसके अलावा जितना कुछ है, फहुवा ज़ाहिबुन व तारिकुहु लिन्नास, इंसान छोड़ के दुनिया से चला जाएगा, उसके किसी काम नहीं आएगा। जानते हैं दुनिया की पूरे पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन पैदा हुआ है, जानते हैं, कोई बता सकता है, सबसे ज्यादा पैसा आज तक किसके पास आया है, सबसे ज्यादा पैसे वाला अमीर आदमी कारून। अल्लाह ताला ने कुरान के 20वें पारे में कारून का वाकया बयान किया, अल्लाह कहता है कि जानते हो कारून के पास कितना पैसा था, अल्लाह कहता है मा इन मफातिहु लतनू बिल उस्बति उली, कारून के खजानों की चाबियां बड़े बड़े पहलवान मिलकर के उठाते थे, खजाने नहीं, खजानों की जो चाबियां थी उसको एक बड़ी जमात, एक पहलवानों की और हट्टे कट्टे नौजवानों की एक बड़ी तादाद बड़ी मुश्किल से उठाती थी। कारून के पास इतना पैसा था, कारून की कौम के कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कारून से पांच बातें कही, और आज दुनिया में जितने पैसे वाले अगर इन पांच नसीहतों पर अमल कर लें तो नजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह। इज काल लहू कौमहु ला तफरह, कारून की कौम के लोगों ने पहली नसीहत की, तू इतराना नहीं, तू गुरूर नहीं करना, अरे कारून तुझे ये दौलत और खजाना मिला है लेकिन तू गुरूर न करना, तू इतराना नहीं, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीकीन, अल्लाह तबारक व तआला इतराने वालों को पसंद नहीं करता है, ये पहली नसीहत। मेरे प्यारे भाइयों, आज हमारे जितने भाई अमीर माने जाते हैं, दौलतमंद माने जाते हैं, खुशहाल माने जाते हैं, जिनका कारोबार अच्छा है, जिनको अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, वो इस आयत पर और इन चीजों पर गौर करें और इसको अपने दिल और दिमाग में उतारने की कोशिश करें। पहली नसीहत इतराना नहीं, दूसरी नसीहत वबतगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, और ऐ कारून तुझे अल्लाह ने जो दौलत दी है, जो पैसा दिया है, जो खजाने दिए हैं, तो इनके जरिए आखिरत की तैयारी कर, तू इस दौलत का सही इस्तेमाल कर, तू ऐसा इस्तेमाल करके ये कल कयामत के दिन तेरे काम आए, ये आखिरत में तेरे लिए जखीरा बन जाए। तीसरी नसीहत वला तंसा नसीबक मिन दुनिया, लेकिन तू दीन के कामों में आखिरत के कामों में पैसा लगाने में इतना ज्यादा मशगूल ना हो जाए कि अपने बीवी बच्चों का हक भूल जाए, अपना दुनिया का हक भूल जाए। वला तंसा नसीबक मिन दुनिया, जो दुनिया में तेरा हक है तू उसको मत भूल, तू अपना हक भी पूरा कर, अपने बाल बच्चों का हक भी पूरा। चौथी नसीहत वह अहसिन कमा अहसन अल्लाह इलैक, और ए कारून तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, समाज में बहुत सारे गरीब लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं जो तेरी दौलत के जरूरतमंद हैं, तुझे अल्लाह ने मकान दिया है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं, तुझे कपड़े दिए कितने नंगे घूम रहे हैं, तुझे खाना दिया है कितने भूखे घूम रहे हैं, जैसे अल्लाह ने तेरे ऊपर एहसान किया है तो लोगों के साथ एहसान कर। और पांचवी नसीहत वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़, और ए कारून तू अपनी दौलत के जरिए जमीन में फसाद न मचा, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता है।
अगर आज दौलत वाले इन पांच नसीहतों पर अमल कर लें तो कामयाब। दौलत कोई खराब चीज नहीं है। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु बड़े दौलतमंद थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ बड़े दौलतमंद थे। इस्लाम की तारीख में दौलत का भी तस्करा मिलता है, दौलत के लिए अपनी एक अहमियत है, मगर ये पांच चीजें अगर हो तब तो दौलत और माल हमारे काम की चीज है, वरना बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लिकुल उम्मतिन फितना, हर उम्मत का एक फितना है, वह फितनतु उम्मति अल माल, और मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है। तो कारून साहब जो थे उन्होंने कहा कि मुझे ये दौलत मेरे टैलेंट से मिली है, इन्नमा उतीतुहु अला इल्म, ये दौलत मुझे मेरी नॉलेज से मिली है, ये मैंने बाप दादा से नहीं लिया है या मुझे ऐसे वरासत में नहीं मिली है, मेरे इल्म से, मेरे टैलेंट से मिली है। आज बहुत सारे लोग अपने मकान के दरवाजे के बाद लिखते हाजा मिन फजल रब्बी, ये हाजा मिन फजल रब्बी लिख देने से कोई अल्लाह वाला नहीं मिल जाता, ये दिल में होना चाहिए हाजा मिन फजल रब्बी, ये यहां होना चाहिए। दरवाजे पर बड़े बड़े हुरूफ में हाजा मिन फजल रब्बी लिखा है और दिल में शैतान समाया हुआ है, दिल में तकब्बुर है, दिल में इबलीसियत है, दिल में शैतानियत है, दिल में कारूनियत है, तो मेरे भाइयों वो बड़े बड़े मोटे मोटे हुरूफ में हाजा मिन फजल रब्बी लिखने से कोई कामयाब नहीं होता। तो कारून ने कहा मुझे ये दौलत मेरे इल्म से मिली, अल्लाह ने कहा ए कारून तो किस दुनिया में जी रहा है, तुझसे बड़ी बड़ी ताकत वाली, तुझसे बड़े बड़े ताकत वाले दुनिया में आए और चले गए। उसके बाद कारून अपना शेरवानी पहन करके सज धज करके जब निकला है अपने महल से, तो कारून की कौम में जो दुनियादार किस्म के लोग थे उन्होंने कहा या लैत लना मिस्लमा उतिया कारून, काश हमारे पास भी उतनी दौलत होती जितनी कारून के पास, इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, कारून तो बड़ा बड़ा किस्मत का धनी है, कारून के पास कितनी दौलत है। लेकिन कारून की कौम में जो इल्म वाले लोग थे, वकालल लज़ीना उतुल इल्म, जो इल्म वाले लोग थे, उन्होंने कहा वैलकुम, बर्बादी हो तुम्हारे लिए, सवाबुल्लाह खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा, अल्लाह के यहां जो नेक अमल करेगा और जो ईमान वाला होगा उसका अंजाम बेहतर होगा। पता ये चला कि हकीकत में उलमा और अहले इल्म की शान ये होती है कि वो दुनिया के नहीं आखिरत के तलबगार होते। तो अल्लाह ने फरमाया अल्हाकुम तकासुर, तुम्हें गाफिल कर दिया है माल दौलत की हवस। आज कंपटीशन हो रहा है, मेरा पड़ोसी लखपति हो गया तो मैं करोड़पति बन के दिखाऊंगा, उसके पास एक मकान है मेरे पास दो मकान होने चाहिए, उसका एक कारखाना है मेरे पास दो कारखाने होने चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, कंपटीशन अगर करना है, मुकाबला अगर करना है, आखिरत के लिए मुकाबला करो, जन्नत के लिए मुकाबला करो। अल्लाह फरमाता है वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, मेरे बंदो तुम्हें अगर कंपटीशन करना है, मुकाबला करना है तो जन्नत के लिए करो। अबू बकर उमर को देखो, सहाबे किराम को देखो, वो जन्नत के लिए कंपटीशन किया करते थे। ग़ज़वे तबूक का मौका है, ये इस्लाम की तारीख की बड़ी अजीबोगरीब जंग है। इस लड़ाई में मुसलमानों के पास वसाइल की कमी है, सामान की कमी है, गर्मी का मौसम है। अल्लाह के प्यारे नबी साहबा से अपील करते हैं, ऐ मेरे साहबा, इस लड़ाई की तैयारी के लिए तुम अपना ताउन पेश करो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। साहबे किराम ने अपनी अपनी ताकत के हिसाब से अल्लाह की राह में ताउन पेश किया। बाद साहबे किराम गरीब थे, वो एक मुट्ठी जौ लेकर आया करते थे और अल्लाह के नबी के पास ला के रख दिया करते थे, और जब पलट के जाते थे तो आंखों में आंसू बहते थे और दिल में ये तमन्ना होती थी अल्लाह तूने अगर हमको और दिया होता, और नवाजा होता तो आज तेरे दीन के लिए हम और खर्च करते, तेरे दीन की राह में और लगा देते। मुनाफिकीन मजाक उड़ाते थे, देखो ये एक मुट्ठी जौ लेकर आए हैं, ये एक मुट्ठी गेहूं लेकर आए हैं, मगर अल्लाह ने उन एक मुट्ठी जौ वालों के जज्बे को कबूल फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जज्बे की तारीफ। हजरत उमर घर आए, अपने घर के सारे माल को इकट्ठा किया, सारे सामान को, सारे माल को इकट्ठा करने के बाद दो हिस्सों में डिवाइड किया, आधा माल घर में रखा और आधे माल को हजरत उमर फारूक ने एक बोरे के अंदर, झोले के अंदर पैक कर लिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। आपने पूछा मा अब कई तल अहलिक, अय उमर ये बहुत सारा सामान तुम लेकर आ गए हो, घर वालों के लिए कुछ
छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। हजरत उमर कहते हैं बकैतु लहुम निस, ऐ अल्लाह के रसूल आप घबराइए मत, मैं आधा लेकर आया हूँ आधा छोड़ कर आया हूँ। हजरत उमर कहते हैं पहली बार मेरे दिल में ये तमन्ना पैदा हुई, पहली बार ये ख्याल पैदा हुआ कि हमेशा तो नेकी के मामले में अबू बकर आगे निकल जाते हैं, जन्नत के मामले में अबू बकर आगे निकल जाते हैं, आज उमर आगे निकल के दिखाएगा, आज उमर इस मामले में आगे बढ़ के दिखाएगा। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आते हैं, वो भी अपना सामान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रख देते हैं। अल्लाह के नबी उनसे भी वही सवाल करते हैं, माँ अब कई तल अहलिक, अय अबू बकर घर वालों के लिए कुछ छोड़ के आए हो या नहीं आए हो। हजरत अबू बकर जवाब देते हैं अब कई तो लहुमुल्लाह व रसूलह, अय अल्लाह के नबी मैं अपने घर में झाड़ू लगा के आया हूँ, मैं सारा माल छोड़ कर आया हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा इकरार कर लिया, एतराब कर लिया कि उमर सारी जिंदगी अबू बकर का मुकाबला नहीं कर सका। कंपटीशन वो भी करते थे मगर उनका कंपटीशन जन्नत के लिए होता था मेरे प्यारे भाइयों, और हमारी सारी तवज्जो दुनिया की, और हमने इसी को कामयाबी समझ लिया। अल्लाह फरमा रहा है कल्ला, नहीं नहीं ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये कामयाबी नहीं है। सौफा तालमून, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कल्ला सौफा तालमून, ये बिल्कुल भी कामयाबी नहीं है, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन, ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हें यकीन वाला इल्म होता, अगर तुम्हें यकीनी नॉलेज होती, पक्की नॉलेज होती, पक्की मालूमात होती, अगर तुम आखिरत के ऊपर यकीन रखते तो तुम ऐसी सोच न रखते, ऐसा नजरिया न रखते। लतरहुन्नल जहीम, तुम जल्द ही जहन्नम को देखोगे। जब तुम जहन्नम को देखोगे, जहन्नमियों को होने वाले अजाब को देखोगे, उनकी तकलीफ को देखोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि कामयाबी क्या है और नाकामयाबी। और अल्लाह ने कहा कि जहन्नमियों को जो तकलीफ और अजाब होगी वो तुम अपने यकीन की आंखों से, सुम लतरहुन्नहा अइनल यकीन, तुम अपने यकीन की आंखों से उसको देखो। सुम लतुसअलुन्न यौमैज़िन अनिन नईम, और फिर उस दिन तुम्हें अल्लाह की एक एक नेमत का हिसाब देना। एक गरीब आदमी, एक झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी भी अगर गौर करे तो अल्लाह की हजारों लाखों नेमतें उसे मिली हुई हैं, मगर हम इतने नाशुक्रे हैं कि हमें जो मिला है उसको भूल करके हम उसके बारे में सोचते जो नहीं मिला है। ये कितनी बड़ी भूल है इंसान की कि जो अल्लाह ने लाखों करोड़ों नेमतें उसे दी हैं उनको भूल करके वो उसके चक्कर में पड़ा रहता है जो नहीं मिला है। एक हदीस सुना के बाद खत्म करता हूं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, रास्ते में हजरत अबू बकर और उमर से मुलाकात। पूछा मा अखरजकुमा मिन बैतिकुमा, अबू बकर घर से बाहर क्यों निकले, उमर घर से बाहर क्यों निकले। कहा अल्लाह के नबी भूख लगी, अलजू, कई दिनों से खाना नहीं खाया, भूख बहुत जोर की लगी, इसलिए बेताब होके बेचैन होकर के घर से निकले हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम इसी वजह से मैं भी घर से निकला हूं, कई दिन से मैंने भी खाना नहीं खाया। ये तीनों लोग अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर और हजरत उमर, ये तीनों लोग एक अंसारी साहबी के मकान पर गए। अंसारी साहबी घर पर मौजूद नहीं थे, उनकी अहलिया थी, उनकी बीवी थी। बीवी ने देखा अल्लाह के नबी आए, अबू बकर आए हैं, उमर आए हैं, उन्होंने इस्तकबाल किया, कहा कि आप लोगों का इस्तकबाल है, मरहबा, बैठिए, तशरीफ रखिए। नबी अकरम ने पूछा आपके शौहर कहाँ गए हैं, कहा कि पानी लेने गए, मीठा पानी। मदीना के अंदर मीठे पानी की बड़ी किल्लत थी, लोग दूर से पानी लेने जाते, देखा पानी लेने गए। एक नुक्ता ये पता चला कि घर में कोई मेहमान आए और इत्तेफाक से जेंट्स ना हो लेडीज हो तो मेहमान खाने में, अगर मेहमान जान पहचान का है तो मेहमान खाने में उनको ठहराएं, उनका इंतजाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, तीनों लोग वहां बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अंसारी सहाबी घर में आए हैं
اور کیا منظر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت عمر یہ تینوں لوگ میرے گھر پہ آئے ہیں. انصاری صحابی کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا کہ لیس احد اکرم منی اضیافا, اللہ کی قسم اتنے بہترین مہمان میرے گھر میں آئے ہیں آج کسی کے گھر میں نہیں آ سکتے. جتنے معزز اور محترم مہمان میرے گھر میں آئے ہیں کسی کے گھر میں نہیں آ سکتے. اس کے بعد فوراً جو ہے انصاری صحابی ایک ٹوکری لائے, ٹوکری کے اندر پکی کھجور, کچی کھجور, کھجور کی جتنی ورائٹی تھی کھجوریں لے کر آئے, اور فوراً چھری لے کر بکری ذبح کرنے کے لیے جانے لگے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایاک والحلو, اے میرے صحابی دیکھو کسی دودھارو بکری کو مت ذبح کر دینا, جو دودھ دینا بند کر چکی ہو یا ابھی دودھ نہ دیتی ہو ایسی بکری کو ذبح کر. صحابی نے بکری ذبح کی اور بہترین گوشت تیار کر کے لائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو بکر نے, حضرت عمر نے جو کئی دنوں سے بھوکے پیاسے تھے, ان لوگوں نے کھجور کھائی اور گوشت کھایا یہاں تک کہ, اور پانی پیا یہاں تک کہ بالکل پیٹ بھر گیا اور سیراب ہو گئے. جب تینوں لوگوں کا بالکل پیٹ بھر گیا تو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر, اے عمر, والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن تم ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. تم گھر سے نکلے تھے بھوک و پیاس کی تکلیف میں نکلے تھے, کئی دن کے بھوکے پیاسے تھے, بے چین تھے, اور اللہ نے تمہیں اتنا دے دیا کہ پیٹ بالکل بھر گیا ہے, اب اور گنجائش نہیں ہے, اور بہترین نعمتیں, کھجور کھلا دیا تمہیں, گوشت کھلا دیا. اے میرے صحابہ تیار رہنا, کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرے پیارے بھائیو, میرے نبی نے کبھی کبھی ایسی غذائیں کھائی ہیں, کبھی کبھی ایسے کھانے کھائے ہیں, اور ایسے موقع پر میرے نبی کو اللہ یاد آیا ہے. میرے نبی کو کل اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کیا جائے گا وہ یاد آ رہا ہے. آج تو جب ہم زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں, زیادہ نعمتیں دنیا کی مل جاتی ہیں, تو ہمیں عیاشی سوچتی ہے, ہمیں دنیا داری سوچتی ہے, ہمیں غلط حرکتیں سوچتی ہیں. وہ لوگوں, میرے نبی نے کیا ٹریننگ دی ہے, میرے نبی نے کیا تربیت دی ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملے, کھانے کی, پینے کی, پہننے کی, اوڑھنے کی, جب بھی کوئی نعمت ملے تو پہلی جو سوچ تمہارے دل و دماغ میں پیدا ہونی چاہیے وہ یہ پیدا ہونی چاہیے کہ کل اس نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا. نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے اس نعمت کا کیسا استعمال کیا ہے. یہ تھی ایک مختصر سی تفسیر سورۃ التکاثر کی. میرے بھائیوں, یہ سورۃ کریمہ ہم سب کو ایک دعوت دیتی ہے سوچنے کی, سمجھنے کی اور غور کرنے کی, اور ہمیں اور آپ کو یہ سورۃ کریمہ یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. میرے بھائیوں, دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں دی ہے. اس مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں, یہ بچے یہاں سال بھر جو محنت سے پڑھائی کرتے ہیں اسی کے حساب سے امتحان دیتے ہیں, اور امتحان میں اسی کے حساب سے ان کو رزلٹ ملتا ہے. یہ دنیا یہ ہمارے لیے دار الامتحان ہے, اور آخرت دار الجزا ہے. رزلٹ وہاں ملے گا, جیسی ہماری یہاں کرنی ہوگی ویسی وہاں پہ بھرنی ہوگی. یہ سورت ہمیں اسی بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم دنیا کمائیں, دنیا میں رہیں, دنیا کھائیں, شادی کریں, کاروبار کریں, مگر دنیا میں اتنے پل نہ جائیں, دنیا میں اتنے لگ نہ جائیں کہ اللہ کو بھول جائیں, نماز کو بھول جائیں, جنت کو بھول جائیں, آخرت کو بھول جائیں. ہم دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کریں. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو فکر آخرت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین صحابہ کرام کی طرح ہمارے دلوں میں بھی آخرت کے لیے, جنت کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا چھوٹا بھائی بہت بیمار ہے, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کے حق میں بھی آپ لوگ دعا کریں, اور جتنے بھی ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ کے, ہم ان سب کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ ذہنی طور پر, جسمانی طور
طور پر کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہیں, اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے, اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے, اللہ ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں امن اور چین نازل فرمائے, اللہ فسادیوں کے فساد سے شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری مسجدوں کی, ہمارے جان و مال کی, ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے, جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى ما بعد. قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين برحمتك يا ارحم الراحمين ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون